अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला का आगाज हो चुका है। कई मशहूर फिल्म जगत की हस्तियां अयोध्या में मौजूद हैं और अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। शाम 6:30 बजे गणेश वंदना के साथ अयोध्या की रामलीला की शुरुआत होती है। बता दें कि अयोध्या की फिल्मी रामलीला का यह तीसरा वर्ष है। पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड दर्शकों ने वर्चुअल तौर पर अयोध्या की रामलीला का आनंद लिया था। इस बार अयोध्या की रामलीला पर्यटक और दर्शकों के लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि इस बार भाजपा के 3 सांसद रवि किशन, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी अलग अलग किरदार निभाएंगे। तो चलिए इस बार की रामलीला में अलग अलग किरदार निभा रहे कलाकारों से आपका परिचित कराते हैं। गणेश वंदना के साथ शुरुआत। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति बप्पा की स्तुति की जाती है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या की रामलीला शुरू होने के पहले गणपति बप्पा की आरती उतारी जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला में फिल्म अभिनेता राहुल बूचर श्रीराम का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि माता सीता का किरदार फिल्म अभिनेत्री दिशा रैना निभा रही हैं। मशहूर फिल्म मैंने प्यार किया फिल्म की लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री माता साबरी की भूमिका में नजर आएंगी। रावण के महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगे फिल्म अभिनेता शहबाज खान। फिल्म अभिनेता गुफी पिंटल नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि अयोध्या की फिल्म रामलीला में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नजर आएंगे, जबकि केवट की भूमिका में बीजेपी सांसद रवि किशन होंगे। वहीं दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। ब्रह्मा है ना।